ओशो आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि स्टॉक में आज अच्छा मूवमेंट, करीब 2% के ऊपर की तेजी हम देख चुके हैं, और क्रिस वुड ने अपने इंडिया लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो में इसे हिस्सा बनाया है। REC लिमिटेड 112 के लेवल्स के आसपास एट डे हाई, ये स्टॉक इनफैक्ट दिन के उच्चतम स्तर पर ही ट्रेड कर रहा है। REC लिमिटेड में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था 108 के लेवल्स पे, तो जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है इसमें बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा कि कंटिन्यू रहे। हायर एंड पे अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है इसमें, नियर टर्म्स में 110 का सपोर्ट है एंड ऊपर अप्रोक्सीमेटली 115 का रेजिस्टेंस है, तो इस रेंज के बाहर जैसे निकलता है ये काउंटर 114-15 के ऊपर, तो वहां से 5-6 पॉइंट का एक और रैली इसमें देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है इस काउंटर का, एंड जब तक 108 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक ये काउंटर में बिल्कुल भी कोई वरीसम देखने को नहीं मिलेगा। हायर एंड पे 115 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 122-124 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है। खैर इस बीच मार्केट के अंदर आज एक और अच्छी चीज़ हो रही है कि आज हमने भले ही गैप अप किया, उसके बाद प्रॉफिट आए, लेकिन 18,000 को एक ही दिन में नहीं ब्रेक किया। 18,200 की हम कल की क्लोजिंग पे थी, आज 18,000 को हमने ब्रेक तो नहीं किया, बचा के लेके जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि 18,200 तक चेज नहीं कर पाए, यानी कि रिकवरी नहीं दिखा पाए। ये अगर दिखा रहे थे तो फिर तो खैर मज़ा ही कुछ और था, फिर आप तैयार हो जाते बिल्कुल फ्रेश शॉर्ट कवरिंग के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा शायद हमको और रुकना पड़ेगा क्योंकि अगले हफ्ते बड़ी एक्सपायरी है, तो शायद काम बन जाए आपका। एक दो शेयर जो टिपिकली एक्सपायरी भी काफ़ी अच्छे चलते हैं, उसमें एक UBL है और दूसरा जुबिलेंट फूड वर्क है। ओशो आप एक काम कीजिए, आप UBL पहले चेक कीजिए, फिर जुबिलेंट बाद में पूछूंगा आपसे, पहले UBL जरा चेक कीजिए आप। UBL में अभी करेक्शन है 1800 के लेवल से, नियर अबाउट में अभी वन साइड करेक्शन देखने को मिल रहा है, अभी 1700 के पास ट्रेड हो रहा है, बट आज अगर हम देखें तो नीचे के लेवल से एक अच्छा पुल बैक भी देखने को मिला है काउंटर में। सो नियर टर्म्स में अगर हम देखें तो इसका जो इमीडिएट स्विंग हाई था 1740, तो 1740 के ऊपर जब ये काउंटर जाएगा तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा रिकवरी फेज इसमें देखने को मिल सकता है। Else, नीचे 1680-1670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके, अगर लॉन्ग साइड है तो 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, एंड हायर एंड पे 1740 के ऊपर एक बुलिश पोजीशन बनते हुए नजर आ सकता है। नागराज इंफोसिस के चार्ट को देखिए जरा, टेक्नोलॉजी ने आज सुबह थोड़ा अटेम्प्ट किया था बाजार को मदद करने का, और उसमें इंफोसिस काफी आउट परफॉर्म करता रहा, अभी भी 7-8 रुपए ऊपर है, क्या इसमें एक कॉन्ट्रा ट्रेंड बन रहा है? देखिए इंफोसिस कई दिनों से एक डाउनवर्ड करेक्शन में, लोअर टिपिकल लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन तो अब बना रहा है डेली चार्ट में। अब लास्ट 2-3 दिन का जो अपसाइड बाउंस था उतना लैक ऑफ स्ट्रेंथ था बाउंस में, उतना ज़्यादा कुछ स्ट्रांग अपसाइड बाउंस भी नहीं है मेरे ख्याल से, मार्केट के साथ उतना कुछ काउंटर ट्रेंड तो नहीं कर रहे हैं स्टॉक्स। आगे वाले दिनों में सेलिंग प्रेशर तो एमर्ज होगा अराउंड 1550-1540 के आसपास से एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, मुझे लगता है कि ऊपर से लेवल पे एक सेल ऑन राइज का एक चांसेस बन सकता है, रेजिस्टेंस तो फॉर्म होगा।